झारखंड की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। सीए के घर से 19 करोड़ कैश से ज्यादा हुआ था बरामद। गिरफ्तारी के बाद रांची के स्पेशल कोर्ट में आईएएस पूजा सिंघल की पेशी। 5 दिनों की ईडी की रिमांड में कोर्ट ने भेजा। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा देखना चाहिए आईना। जब तक कुर्सी में थे तब तक तो इनको कुछ नहीं दिखा था, अब इनको एन केन पर कारण अब ये अपने गड़े मुर्दे उखाड़ने पे लगे। लगातार 2 दिनों तक पूजा सिंघल से ईडी ने पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग और खूंटी के डीसी रहते मनरेगा घोटाले में पूछे सवाल। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से भी पूछताछ कर रही है ईडी। सीए के पास से कैश बरामदगी के बाद रिश्तेदारों से भी पूछे जा रहे हैं सवाल। पहले ही गिरफ्तार किए गए हैं पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट। 5 दिनों के ईडी रिमांड पर हैं सुमन कुमार। मोहाली धमाके का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। फुटेज में दिखे संदिग्ध। विस्फोट के लिए पाकिस्तान से लाए गए आरपीजी का इस्तेमाल हुआ। सीसीटीवी में संदिग्धों की गाड़ी भी दिखी। सुरक्षा बल को सफेद कार की तलाश। पूरे पंजाब में रेड अलर्ट। मोहाली धमाके में पुलिस ने निशान सिंह नाम के एक शख्स को किया गिरफ्तार। तरनतारन से गिरफ्तारी हुई। मोहाली के इंटेलिजेंस दफ्तर पर दागा गया था रॉकेट। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा का हाथ होने का शक। मोहाली में धमाके के बाद पंजाब में अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसियां। आने जाने वाली गाड़ियों पर रखी जा रही है नजर। पंजाब में भगवंत मान सरकार का नया फैसला। कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती। हरसिमरत बादल और पूर्व सीएम राजेंद्र भट्टल की सिक्योरिटी में कमी। देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश। समीक्षा पूरी होने तक दर्ज नहीं होगा नया केस। देशद्रोह के पुराने केस को भी पुनर्विचार तक लंबित रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राज्य सरकार ने नई एडवाइजरी जारी। देशद्रोह कानून को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा सच बोलना देशभक्ति है देशद्रोह नहीं। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। कानून मंत्री बोले कांग्रेस ने हमेशा देश तोड़ने वाले का साथ दिया। गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाणी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा देश में ही होना चाहिए देशद्रोह कानून की कोई नहीं होना चाहिए कोई जगह। की सरकार को सारे राज्यों की सरकार को सबको एक साथ मिलकर एक राष्ट्र के तौर पे हम लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कलेक्टिवली कि अब इस मुल्क में सेडिशन के कानून की कोई जरूरत नहीं। केंद्र की सरकार। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। पद से हटाए गए डीजीपी मुकुल गोयल। सरकारी आदेशों की अवहेलना और काम में लापरवाही का आरोप। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर पूरी हुई सुनवाई। कल 12 बजे आएगा फैसला। कोर्ट कमिश्नर बदलने की रखी गई है मांग। मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में सरस्वती की मूर्ति स्थापित करने के लिए याचिका। हिंदू संगठनों ने नमाज बंद करने की मांग की। भीलवाड़ा में युवक के आखिरी अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ परिवार। प्रशासन ने मांगी 20 लाख के मुआवजे की शर्त। राजस्थान के भीलवाड़ा में 22 साल के युवक की हत्या को लेकर 2 समुदायों में तनातनी। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने बंद किया भीलवाड़ा बंद का आह्वान। बाइक पर निकले बीजेपी वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। भीलवाड़ा में मृतक आदर्श के भाई ने बयां की आंखों देखी, कहा विवाद के बाद मांग ली थी माफी फिर भी भाई की हत्या हुई। राजस्थान में लगातार हो रहे दंगों को लेकर सियासत सुलगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। जिस दिन जोधपुर में घटना घट रही थी उस दिन अशोक गहलोत अपना जन्मदिन जयपुर में मना रहे थे कि नहीं मना रहे थे। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने की राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, कहा अशोक गहलोत से नहीं संभल रहा राज्य। भीलवाड़ा में तनाव को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा सख्त है सरकार। पैसे के लेन देन का था मामला। पैसे के लेन देन का मामला था और बिल्कुल यंगस्टर्स बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ, उसमें एक बच्चे की हत्या हो गई। किसी भी कीमत पर कोई भी हत्यारा बचेगा नहीं। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को चुनाव लड़ने की चुनौती दी। 14 तारीख की अपनी रैली में अपनी सीट का ऐलान करें, मैदान में मैं भी उतरूंगी। आपको पद चाहिए तो इलेक्शन लड़ना भी चाहिए और आप लड़ते हैं
तो आपने 14 तारीख को जाहिर करना चाहिए कि आप कौन से मतदार संघ से, कौन से क्षेत्र से आप लड़ेंगे और आपके विरोध में मैं खड़ी रहूंगी। दिल्ली में जारी अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का अभियान, लोधी रोड पर बुलडोजर चला, स्कूल बस और एम्बुलेंस के लिए खाली कराई गई जगह। दिल्ली के घिटोरनी और नजफगढ़ में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, कुछ इलाकों में बुलडोजर से हटाया जा रहा है अवैध कब्जा। लोधी रोड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली में बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों की मोर्चाबंदी, उपराज्यपाल के घर तक किया प्रोटेस्ट मार्च। गुजरात में चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत, राजकोट में अरविंद केजरीवाल की रैली, बोले मुझे दिल्ली पंजाब के लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, गुजरात के कई लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, गुजरात में आता हूं यहां भी ढेरों लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले तेजस्वी यादव, जातीय जनगणना को लेकर हुई चर्चा, आरजेडी नेता ने सीएम को मुलाकात के लिए दिया था 72 घंटे का अल्टीमेटम। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग को लेकर सुलगी सियासत, आरजेडी को नजर आई साजिश, कहा आग लगाई गई है, पूरी जांच हो। विश्वेश्वरैया इमारत में है कई सरकारी दफ्तरें, चौथी पांचवी मंजिल पर लगी आग, नीतीश कुमार ने खुद पहुंचकर हालात की जानकारी ली। सुबह 5:30 बजे के करीब लगी थी विश्वेश्वरैया भवन में आग, काबू करने में दमकल विभाग की टीम को आई मुश्किलें, पुलिस पर बरसी फायर डिपार्टमेंट की डीजी। सबको सूचना है, अगर हम लोगों को सूचना है तो उन लोगों को भी, सबसे पहले उन लोगों को सूचना मिलती है। इसकी लापरवाही हो सकती है, लोकल पुलिस को रहना चाहिए, यहाँ हम लोग पब्लिक को भी हटा रहे हैं, फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं, सब चीज हम लोग नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीलंका के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा जो हुआ उसे वेकअप कॉल के रूप में ले सत्तारूढ़ पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन, सूरतगढ़ में किया पार्टी दफ्तर का उद्घाटन। नवी मुंबई में बाला साहेब की मूर्ति के पास किसानों का प्रदर्शन, बिल्डर पर जमीन हड़पने का आरोप लगाकर हंगामा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, बॉर्डर एरिया में तेज हुई सिक्योरिटी जांच। हिमाचल विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे के मामले में धर्मशाला से पहली गिरफ्तारी, एक आरोपी अभी भी फरार। खरगोन हिंसा में एक आरोपी गिरफ्तार, एसपी पर हमले के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट में 434 करोड़ की हेरोइन जब्त, युगांडा से आई थी 62 किलो ड्रग्स, 126 ट्रॉली बैग के हैंडल में डाली गई थी खेप। दुर्ग में महिला की हत्या, शराब के नशे में पति ने वारदात को अंजाम दिया। गुरदासपुर में जेल से जमानत पर छूटे युवक ने किया प्रेमिका का कत्ल, विवाह करने से किया था इनकार। हरदोई में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, डंपर ने टेम्पो और बाइक को टक्कर मारी, मां बेटा समेत 3 लोगों की मौत। हरियाणा के पलवल में पुलिस चौकी में फंदे से लटका मिला एएसआई का शव, पुलिस ने खुदकुशी का दावा किया। अमरोहा में दिन दहाड़े लूटपाट, सर्राफा बाजार के एक कारीगर से बंदूक की नोक पर 20 लाख की लूट। ग्रेटर नोएडा में डिवाइडर से टकराई फुटबॉल मैच खेलने जा रहे छात्रों की कार, कोच समेत 8 घायल, एक की हालत नाजुक। हरियाणा के कैथल में कस्टम विभाग का छापा, 6 करोड़ की हेरोइन बरामद। इटावा में 7वीं के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। कमजोर पड़ा बंगाल की खाड़ी में उठा आसानी नाम का साइक्लोन, कुछ घंटों में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने के आसार। आंध्र प्रदेश में दिखने लगा आसानी चक्रवात का असर, तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आसानी से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया, राज्य के जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उड़ानों पर दिख रहा है आसानी तूफान का असर, विशाखापट्टनम से आज फिर 24 फ्लाइट्स कैंसिल, चेन्नई से 17 उड़ानें रद्द। पश्चिम बंगाल में भी आसानी तूफान का दिखने लगा असर, कोलकाता समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात। आसानी तूफान को लेकर अलर्ट पर एनडीआरएफ, 3 राज्यों में 50 टीमों की तैनाती, लोगों को जागरूक कर रहे हैं जवान।
दिल्ली में जारी है गर्मी का सितम, गर्म हवाओं और सूरज की तपिश ने लोगों को बेहाल किया। पश्चिमी राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, 49 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। लू के थपेड़ों से तप रही है फतेहपुर शेखावटी, 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। केदारनाथ में रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए 5 घंटे बढ़ाया गया दर्शन का वक्त, अब रात 10:30 बजे तक पूजा। चारधाम यात्रा में टूट रहे पुराने रिकॉर्ड, एक हफ्ते में 10 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या के साथ मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी, अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ की वजह से बढ़ रही है मुसीबत, पुलिस ने श्रद्धालुओं से की रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही यात्रा करने की अपील। एक आदमी की शिकायत आई थी, उसमें हमने उसको निलंबित कर दिया, बट ओवरऑल जो पुलिस व्यवस्था है वो जो लोड को देखते हुए, जितनी भीड़ को देखते हुए, ट्रैफिक गाड़ियों को देखते हुए बहुत अच्छा मैनेज पुलिस ने किया हुआ है। पंचतत्व में विलीन हुए पंडित शिव कुमार शर्मा, अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों ने अंतिम दर्शन किया। आईपीएल में राजस्थान और दिल्ली में मुकाबला, पहले बल्लेबाजी कर रही है राजस्थान की टीम। 7 रन पर ही गिरा जॉस बटलर का विकेट, यशस्वी जायसवाल भी 19 रन पर आउट। आईपीएल में तीसरे पायदान पर है राजस्थान, अंतिम 4 की रेस में बने रहने के लिए दिल्ली को मैच जीतना जरूरी। दिल्ली में सीता नवमी के महोत्सव का केंद्रीय मंत्री साध्वी ज्योति निरंजन ज्योति ने शुभारंभ किया, श्रद्धालुओं के साथ 22 देशों के राजदूत और सांसद भी मौजूद रहे। 276 अंकों की गिरावट के साथ 54,088 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 72 अंक गंवाकर 16,167 पर बंद। शेयर बाजार में आई गिरावट से 8 दिनों में निवेशकों के 21 लाख करोड़ डूबे, अडानी समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों को सबसे अधिक घाटा। डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत हुई ₹77.24। सोमवार को रुपए में आई ऐतिहासिक गिरावट के बाद आरबीआई ने दिया दखल, ₹77.50 से ज्यादा की गिरावट रोकने के लिए उठाए कदम। सरकार ने ओला उबर समेत ऐप बेस्ड कंपनियों को सिस्टम में सुधार की दी चेतावनी, कहा ग्राहकों की शिकायतों का समाधान न करने पर होगी कार्रवाई। स्विगी ने 5 शहरों में बंद की सुपर डेली सर्विस, घाटे के चलते दिल्ली मुंबई जैसे 5 बड़े शहरों में भी 12 मई से बंद होगी मिनटों में सामान पहुंचाने की सेवा। हंगामे और बवाल के बीच श्रीलंका में एक दिन के लिए बढ़ाया गया कर्फ्यू, सड़कों पर मार्च कर रहे हैं फौज के जवान। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद त्रिणकुमाली नेवल बेस में छिपे हैं महिंद राजपक्षे, रक्षा सचिव ने दी 2 दिनों बाद किया खुलासा। कोलंबो में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास तक पहुंचा आज तक, कल प्रदर्शनकारियों ने लगाई थी आग। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बीजिंग को किया बेहाल, बढ़ाई गई पाबंदियां, मेट्रो और मॉल बंद। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 77वां दिन, रूस के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं यूक्रेन के जवान, पूर्वी इलाके में भारी पड़ रही है यूक्रेनी फौज। अजोवस्तल में फौज ने स्टील प्लांट पर दागी कई मिसाइलें, हमले के बाद यूक्रेन में चारों ओर नजर आई तबाही। रूस के हमलों का डटकर मुकाबला कर रही है यूक्रेन की सेना, रूस के खिलाफ कई शहरों में यूक्रेनी सेना की जवाबी कार्रवाई। खारकीव में रूसी टैंक T-90 को रॉकेट से तबाह किया, यूक्रेनी सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। माल्टा की संसद को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संबोधित किया, कहा यूक्रेनी नागरिकों को रूस की सेना बना रही है निशाना। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी का नया खुलासा, जंग को लंबा खींचने की तैयारी में है राष्ट्रपति पुतिन। जंग के खिलाफ विरोध को दबाने के लिए रूस में मार्शल लॉ भी लगा सकते हैं व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर से खुला जर्मन दूतावास, जर्मन विदेश मंत्री ने लहराया जर्मनी का झंडा। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे इटली के प्रधानमंत्री मारियो दार्गी, ओवल दफ्तर में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात। अमेरिका के फिलाडेल्फिया रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, गेट से टकराई तेज रफ्तार एसयूवी, ड्राइवर समेत 3 की मौत। एलन मस्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर किया बड़ा ऐलान, कहा ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से हटेगा बैन।